परम पूज्यवर साहेब जी, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज अध्यक्ष पूज्यवर साहेब जी, कबीर आश्रम भैंस मुंडी से पूज्य संतों, वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, मेरे लिए निर्देश हुआ है आप सबके बीच थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। कई विषयों पर चर्चा चली। आज गुरु पूर्णिमा है, हमारे आश्रम में मनाया जा रहा है। इस आश्रम में नियमतः 13 को है। गुरु मिला है, इसकी कसौटी क्या है? आपको गुरु मिल गया, इसका परिणाम क्या है? आप कैसे महसूस करेंगे, कैसे जानेंगे कि आपको गुरु मिल गया है? बस मात्र दीक्षा लेने से कोई गुरु हो जाते हैं, या मात्र दीक्षा ले लेने से किसी का कोई शिष्य बन जाते हैं, मात्र पुस्तक पढ़ने से या सत्संग सुनने मात्र से कोई भक्त हो जाते हैं या गुरु हो जाते हैं? नहीं, ये तो बाहर के खिलौना है, शुरुआत की स्थिति है। ये दीक्षा, कंठी माला, ये सब की बहुत जरूरी है, लेकिन इतना परिणाम नहीं है। ये परिणाम नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब परिणाम बताते हैं। एक साखी में, एक पंक्ति में वो कहते हैं, गुरु मिला तब जानिए मिटा हम मन मोह ताप। इतनी ही कसौटी है गुरु मिलने की। गुरु मिला तब जानिए, आपको गुरु मिल गया तब समझिएगा जब आपके मन से मोह ताप खत्म हो जाए, आपके मन से जलन खत्म हो जाए, आपके मन से घृणा खत्म हो जाए, आपके मन से राग और द्वेष खत्म हो जाए, आपके मन गुरु भक्ति में लवलीन हो जाए, तब गुरु मिले। ये कसौटी है हमारी। और हम देखते हैं अपने को लौट करके तो खोखा पाते हैं, कुछ नहीं है। वही जलन में मर रहे हैं, वही राग द्वेष में, वही तेरे मेरे में, वही संपत्ति, वही परिवार, ये सब जरूरी है, लेकिन उसमें हम बिलबिलाते हैं, मन में जो सुकून होना चाहिए, मन में जो शांति होना चाहिए, वो बरकरार नहीं रहता है। हम उससे उछले उछले भागते हैं। हम ये गुरु मिलने की कसौटी है। हम सब अपने आप से प्रश्न करें, क्या हम गुरु दीक्षा लेने के बाद में, गुरु बनने, शिष्य बनने के बाद में क्या कसौटी में पहुंचे हैं? क्या हमको गुरु मिल गया है? हमने गुरु पाया है बाहर से, मिला नहीं है अंदर से। गुरु का हम शरीर का स्पर्श किए हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान को स्पर्श नहीं कर पाए हैं, मन को नहीं धो पाए हैं हम। गुरु मिलने एक बहुत बड़ी कसौटी है। हम सब इस कसौटी में कसे। गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। गुरु कौन है? आदमी, बहुत से लोग बहुत गुरु मिलते हैं। गुरु, अब गुरु कैसे होना चाहिए? गुरु का अर्थ होना चाहिए, गुरु का ज्ञान सही हो, गुरु का आचरण सही हो, और विज्ञान से या किसी की बातों से उनकी बातें कटती ना हो, ये गुरु की कसौटी है। और शिष्य की कसौटी है कि उनका मोह का मन ताप खत्म हो जाए, मोह का जलन खत्म हो जाए, ये शिष्य की कसौटी है। क्या हम कपड़ा पहनने से गुरु के कसौटी में जाने से कसते हैं अपने को? शिष्य बनने के बाद में शिष्य की कसौटी में खरे उतरते हैं? चंदन और चोवा लगा लेने से कोई भक्त नहीं बन जाते हैं? पाठ और कीर्तन करने से कोई भक्त नहीं हो जाते हैं? हम मन की दशा को देखें, हमारी मन की दशा क्या है। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारा व्यवहार बताता है कि हमारे मन का ताप खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। कैसे हम चिड़चिड़ा जाते हैं, कैसे द्वेष में आ जाते हैं, कैसे राग में आ जाते हैं, ये हमारी कसौटी है। ये बहुत बड़ी कसौटी। मात्र एक पंक्ति में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह मन ताप। इसलिए हम इस सब कसौटी में कसे।
आज गुरु की कमी नहीं है। एक कबीर पंथ में भी इतना आडंबर और पाखंड है, उसकी हद है कबीर पंथ में भी। और कबीर पंथ में आडर और पाखंड बढ़ता चला जा रहा है, और कौन चला रहे हैं? गुरु लोग भी चला रहे हैं। जिन बातों को सदगुरु कबीर साहब ने नहीं कहा, उन बातों को सदगुरु कबीर के अनुयायी कबीर, मैं उस दिन भी कहा था, ये इतना बड़ा आडंबर और पाखंड है। कबीर जयंती के दिन कहा था, बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता था, भगवान बुद्ध हुए थे उस समय, बुद्ध के समय हजारों भिक्षु उसके पीछे चलते थे, बुद्ध के रहते रहते हजारों भिक्षु पीछे चलते थे, लेकिन बुद्ध के चले जाने के बाद में बुद्ध के भिक्षुओं ने, बुद्ध के शिष्यों ने भगवान बुद्ध की 100-100 फुट की मूर्ति बनाना शुरू कर दी। कैसे शुरू किए? राजाओं से मिलते थे, पैसा लेते थे और 100-100 फीट का मूर्ति बनाते थे। आडंबर चालू हो गया। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान था, जो आचरण था, जो तप था, जो वैराग्य था, जो चरित्र था, वो एक किनारे रख दिया गया और भगवान बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होना शुरू की। वहीं से भगवान बुद्ध से हिंदू परंपरा में पूजना शुरू हुआ है। हिंदू परंपरा में पहले पूजा अर्चना नहीं होती थी। ये भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले वहीं से बौद्धिस्टों ने शुरू किया, फिर हिंदू लोग देखे सारे चीज़। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है, इस आडंबर का परिणाम होता है कि भगवान बुद्ध का आचरण त्याग वैराग्य खत्म और भगवान बुद्ध का बुद्धत्व भी खत्म। अब बुद्ध लुप्त हो गया, जिस वजह से भारत देश को गुरु, जिस देश को धर्म प्रधान देश गुरु भगवान बुद्ध के वजह से कहा जाता था, आज बौद्धिस्ट खत्म हो गए। भगवान बुद्ध के साथ जो हुआ है ना, वही आज कबीरपंथी भी करते हैं। कबीर कबीर जप लिए, नाम जप लिए, माला फेर लिए, कबीर साहब परमात्मा है, आकाश है और गुरु बन लिए, जीवन में आचरण में शिथिलता कोई मतलब नहीं है। मैं कहूँ वही होना चाहिए, हमारे मतबंध में जो संप्रदाय में पूजा होता है वही पूजा सब में होना चाहिए। सदगुरु कबीर ने इन बातों को जोर नहीं दिया है, इसलिए हम कसे कसौटी में। और वही ज्ञान सार्थक ज्ञान है जो किसी के बातों में न कटे। और सदगुरु कबीर साहब आज से 600 वर्ष पूर्व जिन बातों को कहे, वो बातें आज किसी के सामने नहीं कटती है। जो बातें सदगुरु कबीर साहब ने 600 वर्ष पूर्व कहे, आज विज्ञान उस बातों को अब कह रही है जिन बातों को सदगुरु कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व कहे हैं। इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली है। और ये सदगुरु कबीर साहब का पारक सिद्धांत है, अलग से चलाया नहीं गया है। कबीर पंथी कहते हैं पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर का सिद्धांत नहीं है, पूरी बीजक कबीर साहब का पारक सिद्धांत है। हाँ, इतना जरूर है कि कबीर पंथ को सदगुरु कबीर साहब नहीं चलाए हैं, इस बात को याद रखेंगे, कबीर पंथ को सदगुरु कबीर साहब नहीं चलाए हैं। और पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर का सिद्धांत है, ये किसी व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं है, लेकिन कुछ कबीर पंथियों ने इसको घालमेल किया है। इसलिए मैंने सदगुरु कबीर की एक पंक्ति कही, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह मन ताप। आप किसी भी गुरु से जुड़े हों, आपकी सार्थकता ये है कि आपकी कसौटी में उतरिए कि आपका मन का मोह और ताप और जलन खत्म हो जाए, तब आप जानिएगा कि गुरु मिला है। नहीं तो गुरु बदलते रह जाएंगे, जीवन में परिवर्तन। कल बम्बई से फोन आया था, कहे महाराज जी एक रामपाल है जिससे मैं दीक्षा लिया था, तो मैं कहा बहुत बढ़िया है, अच्छा तो है, लेकिन मेरे मन में एक जलन थी, वो जलन खत्म नहीं हुई। मैं कहा क्या बात है, गुरु तो हैं लेकिन वो कहते हैं किसी का प्रवचन नहीं सुनना है, यूट्यूब में कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ रामपाल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य बातें उनके कान में पड़ जाएगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यूट्यूब में माध्यम से सुनते हैं लोग, तो फोन आता है कई जगह, तो हिसाब साफ पता चलता है, ये घालमेल। और ऐसे ऐसे कबीरपंथी लोग रामपाल से जुड़े हैं, पता नहीं कितने अंधकार में डूबने का शौक है लोगों को। इतना पारक सिद्धांत साफ मिलने के बाद, गुरु बदलते रह जाते हैं जीवन भर, एक गुरु से वो गुरु, वो गुरु से वो गुरु, अपनी कसौटी नहीं कसते हैं जीवन में, गुरु बदलते रह जाते हैं, कभी कबीर पंथ में तो कभी गायत्री में तो कभी राधा स्वामी में तो कभी रामपाल में तो कभी राम रहीम में। क्या जलवा है, जीवन में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, चाहते हैं बस किसी गुरु के पास जाए तुरंत मुक्ति मिल जाए। ये कोई मुक्ति पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई बांट दे दे दे, लेकिन हमारी अज्ञानता इसको नहीं समझ पाती है। इसलिए हम सब
अपने को कसे कसौटी में कसे, गुरुजन अपने कसौटी में हैं और शिष्यों को अपने कसौटी में, सभी को अपने अपने कसौटी में कसना चाहिए, तभी गुरु पूर्णिमा मनाना और गुरु का मिलना सार्थक है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आगे परम पूज्य और गुरुजन विराजमान हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव जी इलाहाबाद से पधारे, अध्यक्ष साहेब जी कृपा सरन साहेब जी, ये आश्रम के प्रमुख स्थापक साहेब जी, वो छिपकिल्ली है, देख आपके सफारी में छिपकिल्ली है, गुरुजतन साहेब जी, भैंस मुंडी से आए सभी संतगण, आज गुरु पूर्णिमा में बात तो कुछ और होना चाहिए लेकिन यह विषय थोड़ा से अलग चलत है और वो जरूरी भी रही से, कुछ बात रखना भी जरूरी से। बैठ जाओ आप, मनो चले जाइए, बैठ जाओ। की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे उपाय, बलिहारी गुरु आप में गोविंद यो बताए। गुरु के बगैर अधूरा है। अब गुरु कई प्रकार के होते, जैसे कि हमारे संतोष जी बताई से, पहली प्रथम तो माता पिता ही गुरु है, ओकर बाद हमारे स्कूल के गुरु है, ओकर बाद जब हम थोड़ा बड़े हो जाथन तो हमारे माता पिता कथे कि कान फुका लो, गुरु बना लो, ओकर बाद जो ज्ञान मिलते वो गुरु को ज्ञान मिलते। अब गुरु के ऐसे भी स्थिति आप देख लो कि आप संगत में जब बैठो और आप एकदम सात्विक हो, श्री अभिलाष साहेब जी बात लग कई बार अपन प्रवचन में लाए है, जो उन गांजा भांग पियाए पर सिखा देते वही गुरु बन जाते। जिन जीवन में कभी वो चीज़ के अध्ययन नहीं करे, अपन जीवन से अलग रखे है, लेकिन रंजित कार्यक्रम में हूँ बेटा, थोड़ी देर में लगाता हूँ। तो लेना थोड़ा ले ले, काबर की वह थोड़ा थोड़ा में ऐसे सिखा देते वाला गांजा भांग बीड़ी माकूर तमाकू पिए बर ओकर वो गुरु बन जाते। तो आज माता पिता के जो पहली हमला शिक्षा ज्ञान मिलते वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई बचपन में हमला माता पिता के ज्ञान मिल गया, अच्छा संस्कार मिल गए, तो वहीं से रास्ता खुल जाते। अब वो रास्ता अतेक प्रबल रहते, बचपन में जिसे बच्चा ला जो सिखाते वो बच्चा सीख जाते। बच्चा जब छोटे रहते तो बोले पापा पापा दादा दादा सीख जाते वह, वैसे बचपन में जो भी माता पिता ज्ञान देते बहुत स्मरणीय है। अब वही में बचपन में आप देखो जन बीड़ी पीने वाला रहते अपन बच्चल कहते जा बीड़ी जिला के ला, याद करो जब सियान मन बीड़ी पिए की आदत जेकर घर में है वो अपन लैकल कहते जाए सुलगा के लाबे, तो जब बच्चा सुलगा के लाते तो बच्चा भी निश्चित रूप से एक कस मार के लेते, पहली तो नहीं मारे लेकिन बाद में ये देखते कि एक कस मार लेते तब अपन बबल देते बीड़ी ला, यानी बोला शिक्षा मिल गई बीड़ी पिए के। तो आज हमर मन के लिए बहुत परम सौभाग्य के बात है कि हमन कबीर पंथ के मानने वाला हैं। कतको पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे है जिन गुरुच नहीं बनावे, कई ऐसे परिवार है, जहाँ तक जिन मानंदी है राम उपासक है
ओमन गुरु बनाए की जरूरत नहीं है, ओमन उहिल गुरु मान लेते, भगवान ला गुरु मान ले है। चौका आरती करने वाला मन के तो गुरु हबे, जैसे अभी संतोष जी बताई से, लेकिन जैन राम उपासक है तेकर मन के गुरु नहीं है। जैन भक्षक है, जैन जवारा बोत है, जैन बकरा काट के अपन पूजा अर्चना करते, ओकर मन के कोई गुरु नहीं है, ओकर मन के भगवान ही गुरु है। वो मतलब इसने शिक्षा मिले, लेकिन हमर मन के सौभाग्य है कि हमर मन पास में पूज्य गुरुदेव जी है। हमर मन के अभी वर्तमान में हम सदगुरु कबीर साहेब ल तो नहीं जानन, नहीं देखेन, ओकर बीजक के अध्ययन करथन, लेकिन परम सौभाग्य की बात है हमर मन के बीच में श्री अबलास साहेब जी से गुरु है। श्री अबलास साहेब जी जो उन ज्ञान दे है, मैं तो ओला ऐसे भी एक बार वो कह चुके हूँ, आज वो कहा था, वो दूसरा अवतार भी मान सकता हूँ मैं, हाँ मैं मानता हूँ चीजला कि कबीर साहब के अगर कोई दूसरा अवतार होए तो श्री परम श्री अबलास साहेब जी के रूप में अवतार होए। हमन बहुत चिंतन करना चाहिए, बहुत कम सोचथन। जब ओकर पुस्तक के ज्ञान जब पढ़बे, ओकर पुस्तक के रचना ला जब देखबे, तो ऐसे कई ऐसे कोई पुस्तक नहीं बचे, चाहे वेद के होए, चाहे रामायण के होए, चाहे सदगुरु कबीर साहेब के बीजक के व्याख्या होए, अतेक अतेक भयंकर ज्ञान से परिपूर्ण श्री अबलास साहेब जी, इतका ज्ञान से भरे रही से, हर पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान लभी अतका शिक्षा दे दे, और जन अढ़ा है तेला तो बिल्कुल शिक्षा देवे करे, लेकिन अकाट्य शिक्षा रही से। तो आज ऐसे सौभाग्य हमार मन के सब हबे कि हमन ओकर शिक्षा ला प्राप्त करे हन, और ओकरे अनुरूप आज हमार बीच में पूरा कबीर पारक सिद्धांत के अनुरूप आज हमन चला था बन। विषय जरूर बोलना जरूरी है, जो पारसनाथ जी और डॉक्टर साहब बोलिस तेनला एकर स्थिति बोलना जरूरी है कि हमरे पारक सिद्धांत के में भयंकर नुकसान हुआ थे, अतेक नुकसान हुआ थे। श्री धर्मेंद्र साहेब जी के फोन आ रही से, पेपर में जब छपीस भिलाई के घटनाक्रम, तो साहेब जी कही से कि पेपर में नहीं छपना रही से, लेकिन वो परिस्थिति ऐसे ऐसे वे कि वो पेपर में छापना भी जरूरी रही से, काबर की वोला वो चीज़ के एहसास कराना जरूरी रही से। तो ऐसे कई बड़े बड़े आश्रम हैं, आप देख लो आसाराम बाबू के आश्रम, होकर मानने वाला, अरे बाप रे इतना मानने वाला, करोड़ों के तादाद में, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों, आज कहाँ है, सेंट्रल जेल में हवा खात। लेकिन पारक सिद्धांत तो एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है कि साहेब जी बोले है कि 5 साल से बच्चा से लेकर के 90 साल के बूढ़ा तक भी कोई संत के आश्रम में, कोई साध्वी के आश्रम में एक साथ नहीं रह सके। लेकिन ये घटनाक्रम दुर्भाग्य है कि हमार पारक सिद्धांत में एला देखे बर मिलिस। अभी कुछ दिन पहले ये घटना हो है, मैं निवेदन करता हूँ, बहुत विनम्र से निवेदन करत हूँ कि जहाँ तक हो सके हमार साधु संत भी ऐसे संत के कभी भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, बल्कि ओला बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि आप भी सक्षम हो, एक कुटी बना लो, एक छोटे से झोपड़ी बना लो, आपके पास पर्याप्त पैसा है और भगत मन आपला देवर तैयार है, लेकिन कभी भी कोई साध्वी आश्रम में कोई साधु मत रहा है, ये निवेदन है। जैसे कि कार्यक्रम जब होते तो नाम लेके बोला था कि धर्मस्वरूप साहेब जी वो आश्रम में आ जाते, परीक्षा साहेब जी वो आश्रम में आ जाते, ये दुर्भाग्य है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और अगर कोई नहीं मानी तो हम भगत मल्ला बिल्कुल उकर साथ देवर पढ़ी, ओला मनवाए बर पढ़ी,
काबर की हमर मन के हमला हीन भावना से देखत हवे कि कैथे का और करते का। ये चीज बहुत जरूरी है। बहुत शॉर्ट में बात ले बोलत हूँ, बहुत छोटे में बोलत हूँ। कार की मोर साथ ये परिस्थिति है कि हर संत मन के, हर साधु मन के फोन आते। साहेब जी के कई बार फोन आ चुके हैं, और अन्य साहेब जी मन के कई बार फोन आ चुके हैं। यहाँ तक के जैन घटना करे वहू मोला बुला करके मोर से राय मंगी सबे। मैं कहूँ मैं वहाँ नहीं जाऊँ, ते दूसर जगह आ जा और वहाँ से मैं तोला कुछ रास्ता बताऊँ। तो मैं भी निवेदन करें कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप ला मैं भवन बनाए बर भी, अगर सहयोग पढ़ी तो मैं भवन बनाए बर भी पैसा दूँ, लेकिन आश्रम में उमें नहीं रहना है आपला। ये मोर निवेदन है। ये बात के मैं जिक्र करें, वो आज जो पारसनाथ जी प्रस्ताव रखे, हमें डॉक्टर साहब रखे, वो पूरा भगत मन समझते कि कौन तरफ बात जात है, तेला अच्छी तरीके समझते। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। हमला हमर मन के लिए गुरु जिन बना है तेकर कम से कम साल में एक बार अपन दरवाजा में, अगर हम नहीं बुला सकन तो आश्रम में जाके, उकर शरण में जाके जोन श्रद्धा बन सकते, जोन अपन से सेवा भाव बन सकते, वो सब सेवा करना चाहिए। अब गुरु तो बना लें, लेकिन पता नहीं कब मुलाकात हो, इस के साल में मुलाकात हो, फिर गुरु बनाए से का मतलब है। गुरु के दर्शन कम से कम, कम से कम गुरु पूर्णिमा के समय जरूर एक बार होकर चरणगत होना चाहिए और गुरु के ज्ञान लेना चाहिए। हमारे तो माता पिता जब तक है तब तक गुरु है ही है, ओकर संस्कार हमला पड़े है, लेकिन ओकर बाद जोन कल्याण के मार्ग है, जन हमर मुक्ति के मार्ग है, वो तो गुरु ही हमला बताही। तो गुरु के मार्ग ला हमन धरन, अपन जीवन में उतारन और कोशिश करन कि बार बार ओकर दर्शन हुए, बार बार ओकर से ज्ञान मिले। जहाँ भव्य कार्यक्रम होते तो जीवन भर तो हमन अपन काम करते छन, खेती किसानी वाला अन सब बैठे हैं ते मन, जेकर दो फसल है तेन ज़्यादा व्यस्त रहते, एक फसल वाला तो छः महीना खाली रहते। एडहर बीच में समोदा साइड में डबल फसल है, कुछ और एरिया में डबल फसल है, तो मन व्यस्त रहते। चपरीत वाला मन गलोक व्यस्त रहते, लेकिन जिन व्यस्त नहीं है, जेकर छः महीना में एक बार फसल आना है, जिसे अभी संतोष बताई सबे कि अभी तक हमन खुर्रा बत्तर बोथन, हमारे गाँव में आसपास के गाँव में पानी चने गिरे है, खुर्रा बतर हमन में धान लचीता था न बोथन, धुर्रा उड़त है। तो वैसे एक फसली है हमर, तो आपके पास में पर्याप्त समय है। जैसे सक्रिय आश्रम है, महासमुन आश्रम है, ये अपन नया पारा आश्रम है, जहाँ जहाँ आश्रम है, बहुत ज़्यादा आश्रम के विस्तार भी नहीं करना चाहिए। आजकल साधु मन बड़ा गड़बड़ करत है, एक जगह दोनों आश्रम बनाए बर चाहत है, वो अकेला घूमना पसंद करते है, वो संत मन के साथ में एक जमात में चलना पसंद नहीं करते। और एक परंपरा ये भी हो गए कि अब कार्यक्रम हुई तीहे मन जाबो, कार्यक्रम हुई तीहे बुलाही तबो हम मन जाबो। साहेब मन घलोक मानसिकता बना डरे है कि हमला बुलाही तब जाबो। मैं तो निवेदन करता हूँ कि आप जमात निकालो, मैं तो निवेदन करता हूँ कि आप एक नहीं बल्कि चार पाँच संत मन मिला करके छोटे जमात, ताकि भक्त मन भी होकर खर्चा वहन कर सके, ऐसे छोटे जमात निकालना चाहिए। ओकर से हमर प्रचार प्रसार निश्चित रूप से बढ़ी, हमन पिछड़त जाथन। छत्तीसगढ़ तो पूरा धर्म प्रेमी, जैसे हमर साहेब मन कहते कि जतका छत्तीसगढ़ में साधु मन के आव भाव, भगत मन जो नाव भाव से पूरा श्रद्धा से जोन भक्ति से जोन सेवा करते, वो दूसर प्रदेश में उत्कप सेवा नहीं करे। दूसर प्रदेश में वो भावना कम है, मानत हो ही ज़्यादा, लेकिन जोन सेवा मिलते यहाँ, जोन सत्कार मिलते, वो तो छत्तीसगढ़ नाम है छत्तीसगढ़ के। और यहाँ कौन साधु नहीं आवे, अकेला अकेला सब साधु मन के जमात आ जाते, अके एक के झक्के जमात चलत है।
देख लो कई झक्के हैं, नाम गिनाए की जरूरत नहीं, सब झक जाना थो। तो जमात तो चलना चाहिए, कम से कम 10-20 साधु की जमात चलना चाहिए। ओकर से जिन गांव में 5 झक भगत है तो 10 भगत बनी, 10 भगत है तो 50 भगत बनी, और प्रचार प्रसार आगे बढ़ी, और वही होवत भी रही सबे। ओकर जिक्र भी अभी हमारे महासचिव, हमारे साहू समाज के कबीरपंथी साहू समाज के महासचिव संतोष जी ये बात लबतई से, हमारे संरक्षक जी बैठे रूपदास जी, हमारे मन हमन बहुत संघर्ष करत हन, थोड़ा समय ज़्यादा हुआ थे क्षमा करूँ, हमन बहुत संघर्ष करत हन, हमन कबीरपंथी साहू समाज के नाम से बहुत झकला जोड़ना चाहत हन, ताकि कबीरपंथी साहू समाज में जुड़ो। बहुत अंतर है जनरल साहू समाज और कबीरपंथी साहू समाज, दोनों में जमीन और आसमान के अंतर है, जमीन आसमान के अंतर है। इमें एक बार जुड़ के देखो, इमें आप मन आके देखो, आप मतलब बहुत परिवर्तन दिखी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ, आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप मतलब बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है, और माननीय हमारे जतका संत यहाँ बैठे तेकर चरणों में त्रिवार साहेब बंदगी है। यही बात ला कही कि अपन बात ला समाप्त करता हूँ, साहेब बंदगी साहेब।